हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने मिल रही होंगी इस चैनल के द्वारा। अच्छी बात यह है कि हर तरीके के सब्सक्राइबर्स, चाहे उनको इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो, हर अल्टरनेट वीडियो एक अलग लैंग्वेज में हो रहा है। तो पहला अगर इंग्लिश हुआ, अगला हिंदी में होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, आप लोगों का वो हॉल्ट नहीं लगता। काफ़ी सजेशंस आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे, जिस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, स्पेशली वीडियो की क्वालिटी को लेके कुछ सवाल आ रहे हैं। मैं उन चीज़ों पर वर्क कर रहा हूँ। इट्स बेसिकली, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेरा इंटेंशन इस चैनल को लॉन्च करने का ये नहीं है कि बिल्कुल हाई एंड वीडियोज़ बनाया जाए, बट आप लोगों का लर्निंग चलता रहे एंड वो चीज़ जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी थोड़े थोड़े समय से। जिस तरह हमने ट्रेडिंग सीखी है गिर पड़ के, उसी तरह ये चीज़ भी सीख लेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सवाल को, जैसे कि आप सबको पता है कि हम उन्हीं सवालों को एड्रेस करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स अगेन एंड अगेन रेज करते हैं। तो एक सवाल है जो काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने रेज़ किया है रीसेंट टाइम्स में, वो है सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़े से आप वीडियोस बनाइए, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताइए। तो हम समझते हैं पहले तो ये स्विंग ट्रेड होता क्या है, बेसिक समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। स्विंग ट्रेड बेसिकली होता है कि जब आप किसी पोजीशन को होल्ड करके रखते हो कुछ 5, 10, 15% के रिटर्न के लिए, हो सकता है उससे ज़्यादा रिटर्न के लिए, वो बाय या सेल हो सकता है, दोनों हो सकता है। यूजुअली आप देखेंगे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप स्विंग ट्रेड करते हो तो सिर्फ आप बाय करो, दैट इज़ कैश में करो, बट मेरा कहना है कि आप स्विंग ट्रेड आप सेल साइड पर भी कर सकते हैं, शॉर्ट साइड पर भी कर सकते हैं। अब इसके काफ़ी तरीके होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पिवट्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फंडामेंटल डेटा के बेसिस पे स्विंग ट्रेड करते हैं, न्यूज़ के एंटिसिपेशन पे सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो आज हम एक छोटी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम स्विंग ट्रेड कैसा किया जाए यूजिंग आपका मूविंग एवरेज, वो देखेंगे। तो इससे पहले कि हम चालू करें, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कुछ नाम हैं। इनका रीज़न मैं बता दूं, ये नाम क्यों दिए गए हैं, बिकॉज़ आपको जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसमें कोशिश कीजिए आप हमेशा निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स लें। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें वॉल्यूम अच्छे रहते हैं और मैनिपुलेशन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। एक तो ये चीज़ है, इनके चार्ट्स आपको ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं, तभी ये निफ्टी 50 में है, क्योंकि सेक्टर के स्पेसिफिक है, शहनशाह ही अपने सेक्टर्स के, तो इसलिए आप इनको यूज़ कीजिए। तो पहली बात तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ज़्यादातर यूज़ कीजिए इस स्ट्रैटेजी में। दूसरी चीज़ आपको जो ये ध्यान रखनी है, आप अगर इनके इस निफ्टी 50 के बाहर भी जाते हैं तो ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स पे मत जाइए, मतलब जैसे जस्ट डायल हो गया, पीसी ज्वेलर हो गया, जो एक एक न्यूज़ में 15-16% भाग जाते हैं, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको इस पर डेली चार्ट फ्रेम यूज़ करना है। मोस्टली जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो या तो डेली चार्ट्स यूज़ करते हैं या बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, कुछ लोग 4 आवर्स का भी चार्ट यूज़ करते हैं, बट उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप डेली चार्ट्स यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं, हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, इस वीडियो को जल्द से जल्द समझते हैं क्या है। तो देख सकते हैं मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट खोला है, मैंने इसमें सेटिंग ऑलरेडी लगाई थी। लेट्स सी, ये डेली चार्ट है, देखिए ऊपर लिखा हुआ वन डे, डेली चार्ट्स का हमने खोल लिया हुआ है। आपको क्या यूज़ करना है, देखिए आपको इंडिकेटर्स मैं पहले बता देता हूँ, आपको इंडिकेटर्स लगेंगे पिवट पॉइंट्स, लेकिन फिबोनाकी, ओके, फिबोनाकी आपको पिवट पॉइंट्स लगेंगे। तो जब आप पिवट पॉइंट्स पे जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड ऑफ फिबोनाकी दिखेगा, आपको फिबोनाकी सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपको मूविंग एवरेज लेना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लीजिए, ये भी दिखा देता हूँ। इधर 21 का आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है, इधर आते हैं तो सिंपल एक्सपोनेंशियल काफ़ी ऑप्शन आता है, तो एक्सपोनेंशियल लीजिए। एंड सिमिलरली नेक्स्ट और एक मूविंग एवरेज लेना है, वो भी एक्सपोनेंशियल 62। तो ये केवल हम तीन मूविंग एवरेजेस के थ्रू ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको तीन चार पॉइंट्स तो स्टार्टिंग में बताया, आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। अगर उस स्टॉक से कोई बड़ा न्यूज़ रिलेटेड है, जैसे कि क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही बेकार आया, बहुत ही बड़ी पेसिमिस्टिक न्यूज़ है, या बहुत ही अच्छे आया है, या बहुत सारे आउटलेट्स खुल रहे हैं, या बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ हो रही है, जैसे जियो लॉन्च कर दिया रिलायंस ने, रिलायंस की बात करिए तो हम रिलायंस भी रख ही लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो वीडियोस बनाता हूँ ये कुछ प्री प्रिपेयर्ड नहीं है, लाइव है, थोड़े रॉ होते हैं, बट लेसन सीखना आपको ज़रूरी है। तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है, आप देखिए पिवट पॉइंट्स में क्यों कब काम आएंगे वो बताता हूँ। इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है, जब एक क्रॉसओवर होता है 62 EMA और 21 EMA के पास, इसको हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी बोलते हैं और इसको लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो टाटा मोटर्स के चार्ट्स पे देखिए, प्लेन एंड सिंपल यहाँ पे
ये बाइफर्केशन हुआ, यहाँ से आपका ये जो पॉइंट है, इसको मैं लाता हूँ, यहाँ से इसने क्रॉसओवर दिया एंड इसने ऑलमोस्ट देखिए 416 के आसपास ये क्रॉसओवर दिया, उसके बाद सीधे 325 तक भी गया है, उसके बाद और नीचे गया है, 281 भी गया है। मतलब आप पकड़ के चलिए, अगर 400 का भी एवरेज पकड़ें तो ये 400 से ऑलमोस्ट 240 आ चुका है, ऑलमोस्ट 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 आधा कॉस्ट हो चुका है। तो बेसिकली क्या हुआ है, जब शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे क्रॉस करता है एक बड़े टर्म मूविंग एवरेज को, तो ये सेल जनरेट करता है। अब आप बोलोगे देखिए यहीं पे क्लियर आपने देख लिया होगा कि सर अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ लेकिन ये शायद फेल्ड हो गया, बिकॉज़ यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होता है एक लंबे अवधि के लिए तो ये यहाँ से तो वापस नीचे चले जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करें, इस केस के लिए ही हमने पिवट पॉइंट्स यूज़ किया, क्योंकि आपको देखिए टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्टिव होती है और इसमें आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स काफ़ी मिलेंगे नो डाउट, तो आपको उस चीज़ को टैकल करने के लिए ही ये पिवट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो देखिए ध्यान से देखें, यहाँ पर जब ये क्रॉसओवर हुआ तो ये अपने पिवट पॉइंट, ये ब्लैक वाला पिवट पॉइंट से ये ऊपर वाला जो जाता है इसको R1 बोलते हैं, इसके ऊपर बोलते हैं R2 और इसके ऊपर बोलते हैं R3, फिबोनाची का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये R1 पे आया, R1 के आसपास चलिए, यहाँ पे अगर क्रॉसओवर हुआ तो आपने क्लोज 424 पे अगर लिया हुआ है इस चीज़ को, तो वैसे तो आपको अगले दिन ही 440 441 तक मिल जाता है 2 दिन के अंदर। तो यहाँ तो आपने यहाँ पे बाय करके सेल किया हुआ है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, बट मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इस रेंज पे देखिए कहीं ना कहीं इसको एग्जॉशन दिख रहा है, ये सेट नहीं हो पा रहा R2 के पास जाने के लिए। और हमेशा याद रखिए अगर 3 4 दिन ज़्यादा लग जाता है और कहीं ना कहीं कंजेशन आता है तो बेटर है कि आप सेफ़ रहें, क्योंकि हो सकता है वो उस चीज़ को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट है। तो अगर चाहिए तो आपने यहाँ पे भी एंटर किया होता, अगर 424 पे भी किया होता तो एक तो है आप अगले दिन ही 440 पे बुक कर लीजिए, 441 पे, या तो फिर आप जब यहाँ पे देख रहे हैं कंजेशन हो रहा है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो बेटर है 441 जब इधर आपने आपने एंटर किया था ऑलमोस्ट इस चीज को 424 पे, तो जो भी आपको दूसरा स्पाइक मिलता है 440 441 पे आप एग्जिट कीजिए और वेट कीजिए जब तक ये वापस ऊपर नहीं जाता। अगर आपने एग्जिट कर दिया तो यहाँ पर बच गया। चलिए आपको प्रीवियस चार्ट से भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर भी देखिए एक नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, बट अगेन यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 4 कैंडल्स वापस वहीं पे हॉवर अराउंड कर रहा है, इसलिए आपको पिवट पॉइंट्स यूज़ करना है, समझ रहे हैं। सो यहाँ पे और प्लस अगर आपने प्राइस एक्शन का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको लॉन्ग विक स्ट्रैटेजी बताई थी, लॉन्ग विक यहाँ पर बना है, ये देखिए 5.36 मिलियन का क्वांटिटी और लॉन्ग विक बना, लॉन्ग विक मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्राइस एक्शन का पहला वीडियो देखिए, वो वीडियो सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो जैसे ही उसने लॉन्ग विक बनाया है यहाँ पे आपका रिवर्सल के चांसेस है, तो आपको एट एनी कॉस्ट यहाँ पर एग्जिट करना। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होता, अगर यहाँ पर आप क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 404 पे, 405 पे अगर आपने सेल किया होता तो भी आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता है, या 2 4 पॉइंट का आपको लॉस करना रहता है इस दिन के दिन। यहाँ पे आप क्रॉस करते हैं, वापस पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया। याद रखिए इस पर एक और पॉइंट है कि आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने जस्ट एंटर किया और आप भग गए। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ अगेन, देखिए ये R2 के पास है, ये सब पॉइंट्स होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कि बायर्स एंड सेलर्स बढ़ जाते हैं, हिस्टोरिकली देखा गया। यहाँ पे देखिए 3 दिन तक ये उसी रेंज पे टिक रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, तो कायदे से आपको सेकेंड या थर्ड डे, एक दिन टाइम दीजिए, थर्ड डे पर आपको निकल जाना चाहिए था। चलिए थर्ड डे भी नहीं निकले तो फोर्थ डे पर आपको थोड़ा लॉस करके निकल जाना चाहिए था, आपकी एंट्री होती है यहाँ पर क्लोज पे 437 पे, आपका एग्जिट ऑलमोस्ट लॉस भी नहीं होता, 433 के आसपास आपका एग्जिट हो जाता, 3 4 रुपये का लॉस हो सकता था यहाँ पर, बट आपको निकलना है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस गेम का पार्ट है तो आपको होंगी वो, तो बुक करना सीखें सेम। तो चलिए टाटा मोटर्स तो हमने देख लिया, मैंने आपको बता दिया फॉल्स ब्रेकआउट्स भी होते हैं जिनको आपको कैसे जज करना है। रिलायंस देखते हैं, क्योंकि रिलायंस की बात करी थी मैंने, रिलायंस पे देखें यहाँ पे ब्रेकआउट दिए, यहाँ पर आपने एंटर किया, क्लोज है 940 का, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसने सीधे ऊपर क्लोज दिया, आपको कंफर्मेशन दिया पिवट पॉइंट के ऊपर गया है बॉस, ये एक अच्छा कंफर्मेशन है डेली चार्ट पे, ठीक है। 956 का हाई गया है, 954 पे क्लोज हुआ है, आपने एंट्री कितने पे करी है, हमारा 940 अप्रॉक्स का क्लोज है। R2 पे गया, R2 पे आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि अगले दिन थोड़ा R3 पे जाके रेजिस्टेंस आया, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर को यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए था 980 पे, क्योंकि 40 पॉइंट का गेन मिल रहा है 4 5 दिन में, कोई बुरा नहीं है। बट ये जैसे इसने R2 तोड़ा है, देखिए R2 के ऊपर क्लोज दिया, वापस ये R3 तक गया है 1031, जस्ट इमेजिन। और ये जब तक आपका क्लोज नहीं हो रहा, देखिए इसके बाद तो थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद वापस ऊपर गया,
तो बेसिकली आपके पास 5% का प्रॉफिट बनाना इस स्ट्रैटेजी में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट? तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको प्रेफर करने हैं। फॉल्स ब्रेकआउट जानने के लिए आपको पिवट पॉइंट यूज़ करना है, जिसमें कि आपके पास पिवट पॉइंट होता है R1 होता है, R2 होता है, R3, रिवर्स साइड में S1, S2, S3 होता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आपको 62 डे का EMA यूज़ करना है, 21 डे का EMA, पिवट पॉइंट्स फिबोनाची वाला यूज़ करना है। अभी यूज़ करेंगे तो आपको मोस्ट लाइकली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे हम एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ICICI बैंक पे देख लेते हैं क्या हुआ। ICICI बैंक पे देखिए, लेटेस्ट यहीं पर इसने क्रॉस ओवर दिया है, पिवट पॉइंट के ऊपर है, वापस ऊपर गया है। यहाँ पर अगर 300 पे आपने बाय किया होता तो 341 के ऊपर तक का आपको आराम से मिल जाता विद इन फ्यू डेज़। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।